जीईआरटी पहले तो उसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसके पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब इसका वजह है, हमारे जो खाने का जो ये इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर तो हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसको रिफ्लक्स करते हैं, जिससे उसको उल्टी लगेगा, फिर हार्ट बर्न, उसका जो सारे सिम्टम रहते हैं यूजुअली हार्ट बर्न रहेगा। कोई भी खाना है पेशेंट कंप्लेनिंग लाइक मेरा खाना यहाँ पे फंसा हुआ है, अंदर जा ही नहीं रहा है, तो यूजुअली ये कहाँ पे प्रेगनेंसी में दिखता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें फैटी खाना, और एक है टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जो लोग जिद्दी इंसान बिकॉज दे मोर एंजाइटी जिसमें रहता है उनमें भी दिखता है, और स्पाइसी खाना जो लोग खाते हैं उनमें ये सब दिखता है। तो इसका मेनली ट्रीटमेंट तो मेडिसिन है, बट मेन ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वी हैव टू अवॉइड ऑल द जंक फूड, देन ऑल काइंड ऑफ स्पाइसी फूड, जंक फूड, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग। यूजुअली व्हाई सिगरेट स्मोकिंग एक ऐसा चीज है, व्हेनेवर पेशेंट स्मोक करता है तो ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है। स्फिंक्टर मीन्स इट इज लाइक ए वाल्व, जैसे ही खाना अंदर जाता है स्टमक, ये वाल्व अपने आप लूज हो जाता है। तो अगर वो लूज हो जाए क्या होगा, खाना अपने आप ऑटोमेटिक फिर ऊपर आना शुरू होगा। सो मेरी लास्ट एंड ये है कि आप किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, हार्ट बर्न हो या कुछ भी हो, इमिडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रूल आउट ऑल्सो वेदर इट इज ए जीईआरटी और इट इज एनी मे बी कार्डियक प्रॉब्लम। सो डॉक्टर ओनली कैन टेल यू वेदर इट इज ए जीईआरटी और हार्ट प्रॉब्लम। सो मीट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, छाती में जलन हो या छाती में भारीपन हो या लगे कि खाने में खाना फंसा हुआ अंदर जा नहीं रहा, डोंट टेक इट इजीली, जस्ट मीट योर डॉक्टर, ही विल गाइड यू विद द मेडिकेशन एंड लाइफ टाइम मेडिकेशन। थैंक यू।